राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है रागों के संक्षिप्त परिचय सहित रागों की स्वर मालिका और स्वर मालिका पर आधारित रचनाओं के आदर्श गायन को प्रस्तुत करती श्रृंखला राग रस बरसे। राग रस बरसे, राग रस बरसे, राग रस बरसे, राग रस बरसे, सगा मा दा मा मा नि दा मा गरे सा, राग रस बरसे, नि दा मा मा दा नि दा मा गरे सा नि दा, राग नमस्कार साथियों, राग रस बरसे इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। संगीत के अध्यापक और संगीत के विद्यार्थी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संगीत की पाठ्यपुस्तकें संगीत शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अध्यापक गण पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थियों को लगभग सभी पाठ सिखा सकते हैं, जैसे सरगम क्या है, स्वर किसे कहते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वरों की परिभाषा क्या है, वादी और संवादी स्वरों का अर्थ क्या है, थाट की परिभाषा, राग की परिभाषा, राग की जातियां, आरोह अवरोह, पकड़ का ज्ञान आदि पुस्तकों की सहायता से सीखा जा सकता है। किंतु अध्यापकों को सबसे अधिक कठिनाई आती है रागों की सरगम को सिखाने में। रागों की सरगम का गेय रूप विद्यार्थियों को पुस्तकों के द्वारा सुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए रागों की सरगम को गाकर प्रस्तुत करना जरूरी होता है। इसीलिए ये आवश्यकता अनुभव की गई कि रागों की सरगम के आदर्श गेय रूपों को ऑडियो बुक्स यानी कैसेट पर ध्वनि पुस्तकों के रूप में तैयार किया जाए। इन ध्वनि पुस्तकों के निर्माण के दौरान यह भी अनुभव किया गया कि रागों की प्रचलित बंदिशों का कथ्य बहुत ही पुराना है, इसलिए बंदिशों के कथ्य को समसामयिक करने का प्रयास भी किया गया है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा रचित रागों की स्वर मालिकाओं पर आधारित बंदिशों अर्थात रचनाओं का कथ्य देशभक्ति, पर्यावरण जागरण, नैतिक शिक्षा, सामाजिक ज्ञान आदि विषयों से अलंकृत किया गया है। संगीत के अध्यापकों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे शिक्षण के दौरान इन ध्वनि पुस्तकों का उपयोग सहायक सामग्री के रूप में करें। अब आइए हम सब शामिल हो जाएं इस संगीतमय यात्रा में और सुने श्रृंखला राग रस बरसे। राग रस बरसे, राग रस बरसे, राग बागेश्री। राग बागेश्री को बागेश्वरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सरस्वती।
इस राग की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इस राग में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं, यानी कोमल ग और कोमल नी प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के आरोह में ऋषभ और पंचम यानी रे और प ये दोनों स्वर वर्जित हैं। इसके अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार आरोह में पांच स्वर और अवरोह में सात स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसमें प का अल्प प्रयोग किया जाता है। इस राग का वादी स्वर मध्यम अर्थात म है और संवादी स्वर षडज अर्थात स है। इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इस राग में ख्याल ध्रुपद तराना आदि गाए बजाए जाते हैं। राग बागेश्री के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। और अब सुनिए अवरोह। सानी ध म प ध ग म ग रे सा। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। सा नी ध नी सा म ध नी ध म म प ध ग म ग रे। अब प्रस्तुत है राग बागेश्री की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग बागेश्री की स्वर मालिका की स्थाई। सा नि नि ध म प ध ग ग रे सा रे रे सा। सा नि नि ध म प ध ग ग रे सा रे रे सा। नि ध नि सा सा म ध म प ध म ग रे सा। नि ध नि सा सा म ध म प ध म ग रे सा। सा नि नि ध म प ध ग ग रे सा रे रे सा। सा नि नि ध म प ध म ग रे सा रे रे सा। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। ग म ध नि सा 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 नि सा रे सा नि सा नि
dha ga ma dha ni sa 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 ni sa ni dha 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 ni dha dha ga ma ri sa dha 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 ni dha dha ga अभी आपने राग बागेश्री की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं फूल खिले हैं उपवन उपवन। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। अभी आपने राग बागेश्री की स्वर मालिका सुनी, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बरसे, राग रस बरसे, राग रस बरसे।